নিম্নমানের সড়ক নির্মাণের অভিযোগ ও কালভার্ট না তৈরি করার অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা এলাকায়। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে 2019 বর্ষে হাসিমারা এসবিআই ব্যাংক হইতে হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুল অবধি প্রায় 2 কিমি সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু। গ্রামবাসীর অভিযোগ, ঠিকাদার সড়কের 3 জায়গায় যে কালভার্ট নির্মাণের কথা ছিল সেই কালভার্ট নির্মাণ করেনি, এমনকি সড়কও ঠিকমতো নির্মাণ করেনি। এমনকি সড়ক নির্মাণের কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়েছে সড়ক। বাসিন্দারা জানান এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করা হয়েছে, এমনকি দিদিকে বলে কর্মসূচিও অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো সুরাহা হয়নি। বাসিন্দারা জানান এই সড়কটি মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এই সড়ক দিয়ে হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুল ব্যাংক যাওয়ার সড়ক। বাসিন্দারা জানান যে 3 জায়গায় কালভার্ট হওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় কালভার্ট না হওয়ায় খুবই সমস্যা পোহাতে হয় বর্ষাকালে। সেই সময় সড়কের ওপর দিয়ে জল প্রবাহিত হয়, ওই সময় চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা জানান আমাদের দাবি অতি শীঘ্রই এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। हाँ, क्या समस्या को लेकर आप आज सड़क अवरोध आप लोग यहाँ उतरे हुए थे? मेनली जो समस्या है 2019 का जिला परिषद का काम का लेके ही हम लोग का ऑब्जेक्शन है। 2019 में जिला परिषद का जो काम निकला था, ये हंसीमारा एसबीआई से लेके हंसीमारा हिंदी हाई स्कूल का 2 किलोमीटर का प्राय पीच रोड का जो रास्ता था, तो वही रास्ता का जो है कंस्ट्रक्शन था, लेकिन रास्ता बीच में ख़राब होने के कारण जो है हमने डेपुटेशन भी दिया था और दीदी के बोलो सीएम में भी कंप्लेन किया था। उसके तहत जो है जिला परिषद के इंजीनियर और जितने भी पदाधिकारी हैं वो आए थे, गांववासी के साथ हम लोग का बैठक हुआ। बैठक होने के बाद उन्हें बोला कि शेड्यूल के साथ हम लोग काम करेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने जब वो सब मीटिंग वीटिंग हो जाने के बाद जब काम स्टार्ट हुआ तो 6 महीने के बाद जो है आधा अधूरा काम करके जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है भाग गए। बार बार कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करने से वो बोल रहे हैं कि मैंने पैसा जो है अलॉटमेंट अभी तक हमको नहीं मिला है, हम काम पूरा नहीं कर सकते हैं। 3 कलवट अभी भी बाकी है, जो 3 कलवट एक स्कूल जाने के तरफ जो है और एक हंसीमारा के तरफ जो है। अब देखिएगा जो है जगह बनाया हुआ है लेकिन जो है कलवट का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। बरसात के टाइम में टोटल पानी जो है वहाँ से पार होता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और यही हमारा गाँव का एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए जो हम लोग स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाया जाता है, बाजार घाट करने के लिए हंसीमारा आया जाता है। तो ये रास्ता का जो है सरकार ने जब हमें जो है गाँव के डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता दिया है, वो रास्ता जो अगर सरकार ही अगर सही से ना बना पाए या सरकार जो अलॉटमेंट दे रही है लेकिन उसके जरिए अगर मैंने रास्ता सही से ना हो तो हम लोग गाँववासी जो है क्या करें। हमने जो है डेपुटेशन दिया, 1 साल से फ़ोन कर रहे हैं ये को मैंने कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से कोई रिप्लाई सही से नहीं आ रहा है। 22 अगस्त को हमने वीडियो को भी सरलिपि दिया है कि आप जो है देखिए ये काम को, जो है पीच रोड जो है पूरा उखड़ गया है रास्ता, कलवट अभी तक बना हुआ नहीं है, एक्सीडेंट बार बार जो एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ रहती है, तो अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि पिछले साल का पिछले टेन्योर का पंचायत का जो काम है, पंचायत समिति हो या जिला परिषद का काम हो, अभी नेक्स्ट पंचायत जो है आने वाला है, अभी तक काम को जो है मैंने आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है। तो गांववासियों को जो है डेवलपमेंट के बात नज़र रखते हुए हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि कम से कम जल्द से जल्द पंचायत इलेक्शन से पहले एक आधा अधूरा काम को जो है पूरा कर दे, जिससे कि हम लोग गांववासी को जो है जाने आने में, बच्चों को स्कूल जाने में, प्रेग्नेंट महिलाओं को या कोई भी पेशेंट को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो।